क्षत्रिय स्वाभिमान सेना की विशेष बैठक पटना में हुई है, जिसमें क्षत्रिय सेना के तकरीबन बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और इनके जो है कि अध्यक्ष हैं मनीष कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो है कि क्या कारण हुआ जो है कि आप क्षत्रिय सेना की जो अहम बैठक की गई है। मनीष जी, देखिए अभी हम देखे हैं कि जो विगत कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम करनी सेना ने करवाया है, तो करवाया तो है, ठीक है करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली चीज़ जो है, जिस तरह से बड़े बड़े पार्टियां छोटी पार्टियों को खा जाती है, उसे संगठन भी बड़े बड़े संगठन जो है गरीब लोग को खा जा रही है। तो हमारा कहना है कि क्षत्रिय स्वाभिमान सेना बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि आज हम गांव ग्रामीण में जब हम चुनाव प्रचार के समय में या फिर पहले भी जाया करते हैं, तो हमारे क्षत्रिय का लोग जो हैं, युवा पीढ़ी हैं, घर में ऐसा घर है जहाँ में मिट्टी का घर है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, 365 दिन में 200 दिन खाना खाया, 165 दिन भूखे रहना पड़ा, और आज स्थिति इतनी है बुरा कि वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, गांव ग्रामीण में सर्वे करा जाए तो क्षत्रिय को बहुत एक ये चीज़ है। आज बताइए क्षत्रिय को क्या मिलता है? क्षत्रिय तो सब कुछ दिया, जर दिया, जमीन दिया, आपको लड़ाई लड़ा, आपको सारा मूल व्यवस्था दिलाया, लेकिन क्षत्रिय को आज जो है अगर मैंने शिक्षा प्राप्त करना है तो सब खेती बाड़ी बेच करके शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। आपको बैठक क्यों करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? कोई पार्टी में जो है कि वजन नहीं मिल रहा है, कोई पार्टी में तवज्जो नहीं? नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये संगठन है, और संगठन का मतलब ये है कि अपने जाति को भी, पार्टी में रहिए लेकिन अपने जाति का भी ख्याल किया करिए, क्योंकि हर आदमी हर जाति के अपने अपने जाति के पीछे पड़ा है। तो हमारा भी धर्म कहता है कि अपने जाति को भूखा ना रहने दें, शिक्षा से वंचित नहीं होने दें, स्वास्थ्य से वंचित ना होने दें, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे मजबूत हो, उनके शादी ब्याह अच्छे जगह में कैसे हो, जगह पर कैसे आए, ये सब की ज़रूरत है, इसका प्रचार प्रसार हम करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ मदद करने को तैयार हैं। और क्षत्रिय स्वाभिमान का मतलब होता है किसी भी पार्टी अगर क्षत्रिय को संविधान से छेड़छाड़ करेगा, संविधान से छेड़छाड़ करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया, चाहे जिस भी पार्टी का हो, संविधान से और स्वाभिमान से ये समझौता नहीं कर सकता है। आपको पता है जब हमारे कुल आज एक नहीं अनेकों, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह जी हो, चाहे महाराणा प्रताप सिंह जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे राणा विक्रमदित्य सिंह हो, चाहे कई ऐसे हमारे राजाओं का जो इतिहास है उसको मिटने नहीं देंगे, इसके इतिहास को चलने देंगे, और तोड़ मरोड़ का जो साजिश रचते हैं उसको भी चलने नहीं देंगे। जाति जनगणना को किस तरह देखते हैं? नहीं, जाति जनगणना तो मैंने ये तो सरकार करवाई है, सरकार करवाई तो अच्छी बात है, जाति जनगणना में हम दो, हमारे एक का नारा जो हम लोग इन लोग ने दिलाया था, दो लोग हैं एक बच्चा, दो लोग हैं दो बच्चा, इससे तीसरा तो नहीं है, पहले तो चार पांच रहते थे तो जनसंख्या था, अगर कमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तो हमारे लोग का समाज में ऐसे ही देश या विदेश में रह रहे हैं, हमारे दूसरे स्टेट में चले गए, ये तो बिहार राज्य क्या है ना। आपका जो सेना है इसका जो 24 के इलेक्शन में क्या रोल होगा? रोल होगा जो हमारा हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे इतिहास को जानकारों के बीच रखेगा, इतिहास का बात रखेगा, हमारे गरीब क्षत्रिय लोग का ख्याल रखेगा, उसको हम मदद करेंगे, हम क्षत्रिय एकजुट होकर के मदद करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ है कि कहीं ना कहीं मनीष कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि जो राजनीतिक दल हैं जो उनका ख्याल रखेगा, क्षत्रिय स्वाभिमान सेना उनका ख्याल रखेगा। अब 2024 और 25 के इलेक्शन में क्या कुछ होता है और क्या क्षत्रिय समाज जो कि सेना जो है कि इनका रोल क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त भी तय पाएगा, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो मनीष कुमार सिंह अपनी ताकत का इजहार करते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। सहयोगी विवेक रंजन के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ 22 को पटना।